इस दरबार में महाराज को महाराज कहकर संबोधित करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति सी हो गई है, परंतु हम नारी के स्थान और प्रभुत्व को मानते हैं। जी महारानी जी, मंत्रीवर सही कह रहे हैं, हम तो कोई भी कार्य करने से पूर्व पत्नी से विधिवत सलाह लेते हैं और हमें उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। मूर्ख, पत्नियां इन्हें कार्य क्षेत्र में मदद करती हैं, ये तो अच्छी बात है। बड़ी महारानी जी, महाराज को राज्य का कार्यभार सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हम सबका सहयोग मिलता है, आप दोनों को भी मिलेगा। किंतु मैं आप दोनों को ये स्मरण कराना चाहता हूँ कि आप दोनों को अपनी सुविधा अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है। महारानी तिरुमलम्बा, आपका क्या विचार है? हमारे विचार से बढ़कर हमारे लिए महाराज का निर्णय है। तो उचित है, यदि महाराज और आप सबका मत यही है तो हम दोनों सामूहिक तौर पर कार्यवाहक राजा का पद संभालने के लिए तैयार हैं। जो महिलाएं आज तक हम जैसे ज्ञानी पुरुषों के पीछे चलती आई हैं, अब हमें उनके आदेशानुसार चलना होगा। शिव 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 शिव। महारानियों की जय। महारानियों की। रुक जाइए महारानी जी। क्या हुआ गुरुवर? महारानी, राज सिंहासन पर आसीन होने से पहले आपका भी विधिवत रूप से राज्याभिषेक होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे महाराज का हुआ था, राजगुरु द्वारा अर्थात हमारे द्वारा। आपके राज्याभिषेक के लिए भी भव्य समारोह का आयोजन होना चाहिए। उचित है गुरुवर, कल ही राज्याभिषेक की व्यवस्था की जाए। हम चाहते हैं कल राज्याभिषेक के अवसर पर आप सभी अपनी धर्म पत्नियों के साथ एवं घर की अन्य नारियों के साथ यहाँ पधारें। जो आज्ञा महारानी जी। महारानी चिन्ना देवी, यही समय बताने का कि हमें पाक कला के अतिरिक्त और कौन कौन सी कला आती है। महारानियों की जय। महारानियों की जय। महारानियों की जय। ओ महेश्वरी, अभी भी लड्डू खा रही हो? लड्डू खाकर सो जाओगी? अली, इतने लड्डू खाएंगे तो नींद तो आएगी ना। और नहीं तो क्या? ये लड्डू समाप्त करके बाहर से और लड्डू लेकर आओगी? अरे इतने लड्डू मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा। बाहर पीटने जाना है किसे? रामा, पीटने नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अम्मा को तुझे घर से बाहर निकालना है। वो ये शारदा मायके क्या चली गई? अम्मा के शब्द भी अपने साथ लेकर चली गई। अब इनके साथ कोई बात करे तो किस प्रकार करे? लामा, शारदा के आने तक लुकते। हाँ। क्या है ना, तुम जो कहती हो नहीं, तुम जो नहीं कहती हो वो हम दोनों मूर्खों की समझ में नहीं आता। अरे अम्मा कहाँ जा रही हो? और ये नया करके गई है, पता नहीं कहाँ गई। हलवाई के पास और लड्डू लेने? नहीं नहीं गुंडप्पे, मुझे लगता है महल गई है। पता चला है कि आज नगर की सारी स्त्रियाँ दोनों महारानियों को बधाई देने वहाँ पहुँची हैं, वहीं गई होंगी। सुन, करके दिखा, ऐसे नहीं अम्मा की तरह कर, जल्दी जल्दी, कुछ नहीं आता तुझे। महारानी की जय हो। विजयनगर की महिलाएं आपके दर्शन हेतु और आपको बधाई देने आई हैं। उन सभी को सम्मान पूर्वक हमारे कार्यालय में लेकर जाइए। जी महारानी। महारानी चिन्ना देवी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम विजयनगर के महाराज बन गए। नहीं नहीं महारानी, परंतु वो तो हम पहले से ही थे ना। महाराज के प्रतिरूप राज्य के कार्यवाहक। हाँ, उचित कहा आपने। आइए अब चलिए चलिए चलिए।
अपना स्थान ग्रहण करें। महारानी चिन्ना देवी और महारानी तिरुमलम्बा को हम सभी महिलाओं की ओर से हार्दिक बधाइयां। धन्यवाद। और ये कहना भी उचित होगा कि आज विजयनगर में इतिहास रचा गया है और हमें दोनों महारानियों पर गर्व है। क्या अम्मा, आपको ऐसा नहीं लगता? हमें लगता है कि अम्मा भी यही कहना चाहती हैं। आप सभी को हमारा धन्यवाद। आप सभी की इस भावना से हमें हमारे कार्य के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होगा। महारानी चिन्ना देवी जी की जय। महारानी तिरुमलम्बा जी की जय। महारानी चिन्ना देवी जी की जय। महारानी तिरुमलम्बा जी की जय। महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी चिन्ना देवी जी की जय। महारानी तिरुमलम्बा जी की जय। महारानी जी की जय हो। महारानी जी, राजगुरु जी आपसे भेंट की आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा है। प्रणाम महारानी चिन्ना देवी। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम महारानी तिरुमलम्बा। प्रणाम अम्मा। हुचु कुचु हुचु कुचु दामिनी। हुचु कुचु हुचु कुचु। स्वामी आप यहाँ? हाँ, वो वो क्या है कि समय कम था तो हमने सोचा क्यों ना आज ही आपको राज्याभिषेक के कार्यक्रम में लगने वाली सामग्री और व्यय की सूची दे दें। वही सूची लेकर आए हैं। ये रही सूची। गुरु माता, स्वीकार करें ये सूची। इसमें ही है हमारी रुचि। व्यय होगा कम और हमें मिलेगा अधिक। स्वामी। हाँ, वरुण वाला, ये सूची महारानी चिन्ना देवी को दे दीजिए। स्वामी, हमें ज्ञात है कि आपने ये सूची बहुत ही सोच समझ कर बनाई है। हाँ, सोच समझ के बनाई, परंतु प्रतीत होता है कि इसमें बहुत सारी सामग्री ऐसी भी है जो कि अनावश्यक है। कैसी बातें कर रही हैं आप वरुण वाला? वरुण वाला, हम जो भी कार्य करते हैं संपूर्णता से करते हैं। हमारे किसी भी कार्य में कभी भी कोई भी त्रुटि नहीं होती, समझी? इसलिए महारानी जी, कोई भी सामग्री अधिक नहीं, जो भी है आवश्यकता के अनुसार है, पर्याप्त है। और गुरु माता, हम चाहते हैं कि आप इस सूची को एक बार जांच लें, कहीं कुछ अधिक या कम ना हो। जो आज्ञा महारानी। महारानी चिन्ना देवी, ये वरुण वाला निरीक्षण करेंगे। ये वरुण वाला कैसे निरीक्षण कर सकती? क्यों क्यों नहीं कर सकती गुरुवर? वरुण वाला तो पाठशाला गई नहीं, अशिक्षित है। स्वामी आप सत्य कह रहे हैं, हम कभी पाठशाला नहीं गए, परंतु हम पढ़ाई लिखाई में पूर्णतः सक्षम हैं। कदाचित आपको स्मरण नहीं, कुछ ही दिन पूर्व हमने पंडित रामा कृष्ण के श्लोक का वाचन किया था। महारानी, हमने बचपन में अपने भाई की पुस्तक से घर पर ही चोरी चोरी अपनी माता की सहायता से ही विद्या प्राप्त की थी, और हम इस सूची का निरीक्षण करकर ये साबित भी कर देंगे। अवश्य गुरु माता। गुरुवर, आप सूची के निरीक्षण होने तक बाहर प्रतीक्षा करें। हाँ।
मर जाए। जी हाँ गुरुजी, महारानी ने यही आदेश दिया है कि आप बाहर जाकर प्रतीक्षा करें। हाँ हाँ, जल्दी से बाहर चलिए, नहीं तो सैनिक आके आपको घसीट के बाहर ले जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। चिन्नादेव, महारानी ने हमें बाहर निकाल दिया, हमें राजगुरु तथा आचार्य को बाहर निकाल दिया। अनपढ़ वर्म माला, जिसने कभी अक्षरों की माला तक ना पड़ी हो, वो हमारी बनाई हुई सूची का निरीक्षण करेगी। हमारी सूची का निरीक्षण करेगी वरुण माला। हम आप सबको कल दरबार में होने वाले राज्याभिषेक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का न्योता देते हैं। हाँ हाँ महारानी जी, हम अवश्य आएंगे। ऐसा राज्याभिषेक देखना तो हमारा सौभाग्य होगा। हाँ महारानी, हमने इस सूची का पूर्ण निरीक्षण कर लिया है। गुरुवर को बुलाया जाए। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। अरे क्या हुआ रामेश्वर, क्यों चिल्ला रहे हो? साहूकार जी, आपको मेरे बनाए हुए चित्र पसंद नहीं आए। मैं आपका दिया हुआ कार्य आपकी संतुष्टि के अनुसार नहीं कर पाया हूँ। हाँ ये तो सत्य है। तो फिर मैं अपने चित्र ले जा सकता हूँ जो आपके किसी काम के नहीं है? अवश्य अवश्य, वैसे भी हम बाहर ही फेंक देने वाले थे। अब तो वही करना है जैसा पंडित रामकृष्णा जी ने कहा है। एक आओ सब आओ, ये खजाना ले जाओ। सेठ बालाचंद्रू के चित्र हैं, दुनिया के सबसे कंजूस साहूकार। इन्हें अपने घर में स्थापित करने से आपके घर में धन का व्यय संयमित हो जाता है। आपके घर में लक्ष्मी आएगी परंतु जाएगी कभी नहीं। क्या? आइए और ले जाइए। मेरे चित्र को मुफ्त के दाम क्यों बेच रहे हैं? और लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैंने तो जानबूझकर इन सारे चित्रों में कमियां निकाली थी कि रामेश्वर इस चित्रों का क्या करेगा, उसके किसी काम के नहीं आएगी, और वो मुझे हार मानकर मुफ्त में दे देगा। हाँ पर सेठ जी, ये तो दाम के साथ आपका नाम उछाल रहा है। हाँ इसे रोकना पड़ेगा। आइए आइए। गुरुवर। क्या है? महारानी ने आपको बुलाया है। चलिए चलिए चलिए। आपने बुलाया महारानी? गुरु माता। गुरुवर यही सूची है, इसी के अनुसार कल की व्यवस्था की जाए। महारानी चिना देवी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूची पर तलवार चला दी गई, आधी सूची कटी हुई। जो सामान आवश्यक था वो सामान भी सूची से हटा दिया गया। नहीं स्वामी, इस सूची में से वही हटाया गया है जो आवश्यक तो था परंतु अति आवश्यक नहीं। और फिर आपने ही तो कहा है यदि कम सामग्री में कार्य हो सकता है तो व्यर्थ में हमें क्यों अपनी लागत बढ़ाना। महारानी, कल का कार्यक्रम कोई राज्य का शक्ति प्रदर्शन नहीं है जो उसमें खुले हाथ से व्यय किया जाए। क्यों बहनों? सत्य वचन। महारानी, जीवन में प्रथम बार अपने किए गए कार्य पर प्रसन्नता व स्वयं का महत्व अनुभव कर रहे हैं हम। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। गर्व की बात नहीं वरुण माला, इसमें तुम्हारी अल्पबुद्धि दिखाई देती है। जी अम्मा। नहीं 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 अम्मा, वो हम कह रहे थे कि हमें पहले ऐसा लगता था 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 था, अब नहीं, क्योंकि अभी अभी हमें ज्ञात हुआ कि वरुण माला सही है।
जिस वस्तु की आवश्यकता ही ना हो उस पर व्यय क्यों करें? नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए, क्यों किया जाए? बिल्कुल नहीं। वाह वरुण वाला, वाह 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 वाह। अद्भुत अद्भुत। गुरुजी आधा सम्मान पहले ही लूट चुका है। इससे पहले कि बचा हुआ आधा सम्मान और लूट जाए प्रस्थान कीजिए। अच्छा चलो चलो मुड़ो मुड़ो मुड़ो। अति उत्तम गुरु माता, हम आपसे प्रभावित हुए। आपकी कार्य कुशलता सराहनीय है। धन्यवाद महारानी। तो बहनों, हमारे शुभ चिंतक, हमारे समर्थकों, कल आप सभी से राज दरबार में भेंट होगी। हमारी विजयनगर की प्रिय बहनों, आज के इस विशेष अवसर पर हमने आप सभी के लिए करेले की बर्फी और नीम का छास बनाया है। कृपया आप सभी लोग जलपान ग्रहण करके ही जाइएगा। अब हमारे जलपान का क्या होगा? भाई रामेश्वर, ये क्या कर रहे हो? सेठ जी, अपने चित्र बेच रहा हूँ। परंतु ये चित्र तो मैंने बनवाया है। परंतु आपने इन्हें लौटा दिया था ना, और इनका उचित मूल्य भी नहीं दिया था, तो अब ये चित्र मेरे हुए ना। सेठ बाला चंद्र जी, रामेश्वर की बात तो उचित है। पंडित रामकृष्णम, ये उच्च स्तर की कला है जिसे मैं समझ नहीं पाया। क्या बात कर रहे हैं सेठ बाला चंद्र जी, ये चित्र तो आपके ही है ना, आप स्वयं को ही नहीं समझ पाए। क्या है? मुझसे भूल हो गई, मैं सारे चित्र पुनः लेता हूँ और इसका मूल्य भी चुकाता हूँ। सारे चित्र ले जाओ। अरे एक क्षण रुकिए रामेश्वर, ये मूल्य तो केवल एक चित्र की है, फिर ये सभी चित्र ले जाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप एक कार्य कीजिए, इन्हें इनकी पसंद का कोई भी एक चित्र दे दीजिए और बाकी सबको बेच दीजिए। परंतु मुझे तो सारे चित्र चाहिए, अतः मुझे इसका 10 गुना मूल्य चुकाना पड़ेगा। सेठ बाला चंद्र जी, कलाकार की कला का कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर की कला मूल्यवान होती है। दिल छोटा मत कीजिए, कला के प्रशंसक और समर्थक बनिए, और स्मरण रखिए कि धन से कला खरीदी नहीं जा सकती, केवल सराही जा सकती है। सत्यवचन पंडित रामकृष्ण जी, रामेश्वर, मैं ये सारे चित्र खरीद लूंगा, वो भी आप जो मूल्य बताए वो देकर। चित्रों के साथ मुझे पुनः आकर मिलो। पंडित रामकृष्णा जी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? अपनी अद्भुत कला से मेरा एक चित्र बनाकर, किंतु उसका मूल्य मुझे आपको पहले से ही बता देना होगा। पंडित रामकृष्णा जी, इसका मूल्य तो आपको चुकाना पड़ेगा। तो बताइए मूल्य। बस ऐसे ही हर हारे हुए कलाकार को उसकी कला का सच्चा मूल्य समझाइए, यही आपका मूल्य है। और रही चित्र बनाने की बात, तो इसे बनाना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। धन्यवाद। अरे आओ आओ पंडित रामकृष्णा, आइए आइए। आप यहाँ विराजिए। गुरुजी, इससे पहले कि गुरु माता आपको उठाएं, आप उठ जाइए। चुप, हम तो नहीं उठेंगे। महारानी चिन्ना देवी पधार रही है, महारानी तिरुमलम्बा पधार रही है। महारानी चिन्ना देवी की जय, महारानी तिरुमलम्बा की जय, महारानी चिन्ना देवी की जय, महारानी तिरुमलम्बा की जय, महारानी चिन्ना देवी की जय, महारानी तिरुमलम्बा की जय, महारानी चिन्ना देवी की जय, महारानी तिरुमलम्बा की जय, महारानी चिन्ना देवी की जय, महारानी तिरुमलम्बा की जय, महारानी चिन्ना देवी की जय, महारानी तिरुमलम्बा की जय। फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.